Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट के बारे में जो कि है टैग कोर्ट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टैग कोर्ट होता क्या है, इसका कहां कहां यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए टैग कोर्ट का यूज किया जाता है, यानी कि टैग कोर्ट क्यों अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं टैग कोट करने के लिए, और देखेंगे सरफेस ड्रेसिंग के बारे में, ये सरफेस ड्रेसिंग क्यों किया जाता है और इसका क्या क्या पर्पस होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं टैग कोट के बारे में। तो देखते हैं कि टैग कोट होता क्या है। टैग कोट एक तरह का लेयर होता है जिसे हम ले करते हैं एस्फाल्ट बेस कोर्स और एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में। एस्फाल्ट बेस कोर्स और एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहला लेयर होता है सब ग्रेड का, सब ग्रेड के बाद हम सब बेस करते हैं, सब बेस में हम नॉर्मली यूज करते हैं ग्रैनुलर सब बेस। उसके ऊपर का जो लेयर होता है वहां पे हम WMM के लेयर डालते हैं। WMM के बाद हम डायरेक्टली DBM ले नहीं करते हैं, उसमें प्राइम कोट किया जाता है। प्राइम कोट इसलिए किया जाता है कि जो नीचे के ग्रैनुलर मटेरियल हैं वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए और किसी भी तरीके का कैपिलरी एक्शन से वाटर ऊपर ना आ सके और ऊपर के जो एस्फाल्टिक लेयर है, बिटुमिनस लेयर है, उस लेयर को किसी भी तरीके का डैमेज ना हो, इसलिए हम प्राइम कोट करते हैं। अब प्राइम कोट एक तरीके का एस्फाल्ट का ही लेयर होता है, बिटुमिनस का लेयर होता है। अब उसके ऊपर हमको क्या करना रहेगा, टैग कोट करना रहेगा। उसके बाद फिर हम प्लेस करते हैं DBM के लेयर को। अब DBM के लेयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेयर होता है वो बिटुमिनस कंक्रीट का होता है। तो यहाँ पे जो एस्फाल्टिक बेस कोर्स हो गया वो DBM हो गया और जो ऊपर का कोर्स है बिटुमिनस कंक्रीट का कोर्स वो एस्फाल्टिक वियरिंग कोर्स हो गया। अब एस्फाल्टिक बेस कोर्स और एस्फाल्टिक वियरिंग कोर्स यानी कि हमारा DBM और DBM के ऊपर BC बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर, ये दोनों के बीच में जो लेयर आएगा वो टैग कोट का लेयर आएगा। तो इसे हम बोलते हैं टैग कोट। अब इसके पर्पस को जानते हैं और इसका कहाँ यूज होता है इसको देखते हैं। इसका यूज किया जाता है जो कंक्रीट डेक स्लैब होते हैं ब्रिजेस के, और जहां पे हमको एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स ले करना रहता है कंक्रीट के ऊपर, वहां डायरेक्टली हम एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स का यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, कंक्रीट डेक और स्लैब के ऊपर हमको क्या करना रहता है, पहले टैग कोट करना रहता है। इस टैग कोट के बाद हम एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स के लेयर को ले करते हैं। इसका यूज रिजिड पेवमेंट में भी किया जाता है जहां पे हमारा कंक्रीट का स्लैब होता है और उसके ऊपर हमको एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स को ले करना है। तो हम कंक्रीट के ऊपर डायरेक्टली ही एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स ले नहीं करते हैं, हमको कंक्रीट स्लैब के ऊपर पहले टैग कोट करना रहेगा, उसके बाद हम एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स के लेयर को ले करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या पर्पस होते हैं टैग कोट को यूज करने के। तो टैग कोट जैसा कि बॉन्ड प्रोवाइड करने का काम करता है किसके बीच, एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स और एस्फाल्ट बेस कोर्स के बीच में, या फिर कंक्रीट स्लैब और एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं टैग कोट। अगर हम टैग कोट को अप्लाई नहीं करते हैं तो जो एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स होता है ट्रैफिक लोड में ये स्लिप हो जाता है और पेवमेंट फेल होने का ये सबसे बड़ा कारण है, और इसी के कारण ये टैग कोट जो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं इसकी वजह से हमारे एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स का पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है धीरे धीरे करके, जिसे हम स्पॉलिंग ऑफ AWC भी बोलते हैं। अब जानते हैं कि टैग कोट के लेयर को क्यों अप्लाई किया जाता है। अगर हम एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स के लेयर को डायरेक्टली एस्फाल्ट बेस कोर्स के लेयर पे ले कर दें तो वैसे केसेस में क्या होता है, तो जो बिटुमिन होता है एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स में वो इतना इनफ नहीं रहता है वो बिटुमिन
कि वो लॉन्ग इफेक्टिव बॉन्ड प्रोवाइड कर सके दो लेयर के बीच में। अगर वहां पे किसी भी तरीके से रेनफॉल हो गया तो ऐसे केसेस में वाटर क्या होता है, बेस कोर्सेस में चला जाता है, जो नीचे के कोर्स है एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स के नीचे के लेयर्स में चला जाता है ये वाटर। इसकी वजह से जो बॉन्ड रहता है एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स और एस्फाल्ट बेस कोर्स के बीच में, ये बॉन्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके वजह से स्लीपेज क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स में, और जो धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं समय के साथ साथ, और जिसकी वजह से स्पॉलिंग, जो एक तरीके का डिफेक्ट है एस्फाल्टिक मटेरियल और कंक्रीट मटेरियल का, स्पॉलिंग ऑफ एस्फाल्ट वियरिंग कोर्स। तो इसलिए हमको टैक कोट हमेशा अप्लाई करना चाहिए दो एस्फाल्टिक लेयर के बीच में, क्योंकि जो हम एस्फाल्टिक लेयर ले करते हैं उसमें इनफ बिटुमिन नहीं रहता है जो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव बॉन्ड प्रोवाइड कर सके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं टैक कोट में। तो इसमें जो मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं वो होता है कैट आयनिक बिटुमिन इमल्शन, एक तरीके का ये इमल्सीफायर इसमें यूज किया जाता है, वो इमल्सीफायर होता है कैट आयनिक। इसके बारे में पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी वीडियो बने हुए हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं कि कैट आयनिक बिटुमिन इमल्शन क्या होता है, पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन क्या होता है, कटबैक बिटुमिन क्या होता है, लो विस्कोसिटी पेविंग बिटुमिन क्या होता है। तो इन सारे चीजों के बारे में आप देख सकते हैं उन वीडियोस में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो कैट आयनिक बिटुमिन इमल्शन का यूज होता है जो RS1 ग्रेड का होता है, RS यानी कि रैपिड सेटिंग 1 ग्रेड का, या फिर आप लो विस्कोसिटी पेविंग बिटुमिन का यूज कर सकते हैं। इसका जो ग्रेड होता है उसको बोला जाता है VG10 ग्रेड का, जो यूज किया जाता है स्पेशली टैक कोट के लिए। तो VG10 क्या होता है, विस्कोसिटी ग्रेड 10 का बिटुमिन। उसके बाद फिर आप कटबैक बिटुमिन का भी यूज कर सकते हैं, कटबैक बिटुमिन का जो ग्रेड होगा वो RC70 होगा, RC70 यानी कि रैपिड क्यूरिंग 70। ये ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो, यानी कि हाई एल्टीट्यूड एरिया, ऐसे जगह जहां पे उस एरिया का टेम्परेचर सब जीरो तक जाता है, वैसे केसेस में आप इसका कटबैक बिटुमिन का यूज करते हैं। और आपको वही बिटुमिन यूज करना है जैसा कि आपका इंजीनियर इंचार्ज डायरेक्ट करे। तो मटेरियल्स के बारे में हमने देख लिया, कटबैक बिटुमिन यूज किया जाता है, इमल्सीफाइड बिटुमिन यूज किया जाता है, लो विस्कस बिटुमिन यूज किया जाता है, और इन बिटुमिन का जो रेट ऑफ स्प्रे है, यानी कि किस तरीके से हमको इसका एप्लीकेशन करना है। तो इसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ, ये डेटा है मॉर्थ के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के, ये सारे डेटाज हैं। तो ये जो आप रेट ऑफ स्प्रे देख रहे हैं, यानी कि आपको किस तरीके से एप्लीकेशन करना है, तो एक स्क्वायर मीटर के एरिया में आपको 0.2 से 0.35 केजी का जो भी आपका बिटुमिन है, चाहे वो कटबैक हो या इमल्सीफाइड हो या फिर विस्कस ग्रेड हो, किसी भी तरीके का बिटुमिन है, तो उसमें आपको बताया गया रहेगा कि रेट ऑफ स्प्रे कितना होना चाहिए, यानी कि कंजप्शन कितना होना चाहिए एरिया वाइज बिटुमिन का। अब आते हैं अगले कोर्स में, जो कि है सरफेस ड्रेसिंग। तो प्रिपेयर्ड बेस में हम जब भी दो या दो से अधिक कोट कर रहे हैं बिटुमिनस मटेरियल का, तो वैसे कोर्सेस को, वैसे प्रोसेस को सरफेस ड्रेसिंग बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है सरफेस ड्रेसिंग में, तो इस कोट में बिटुमिनस ग्राइंडर को स्प्रेइंग किया जाता है। किस पे किया जाता है, तो चिप्ड एग्रीगेट पे किया जाता है, और उसके बाद इसके रोलिंग के वर्क को, यानी कि कंपैक्शन के वर्क को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अगर आपको कंपैक्शन इक्विपमेंट के बारे में या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे आप जा सकते हैं। और अलग अलग मशीनरीज जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किए जाते हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। अब क्या पर्पस होता है ये सरफेस ड्रेसिंग प्रोवाइड करने का, उसको जानते हैं। तो सरफेस ड्रेसिंग वर्क जो होता है ये मेनली
वाटरप्रूफिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है अपने रोड को और किसी भी तरीके का डैमेज होने नहीं देता है वाटर या फिर मॉइस्चर के चलते। और जो भी मटेरियल हम बाइंडिंग मटेरियल यूज किए हैं उसका वियरिंग टियरिंग उसका रिमूवल ना हो उसको भी प्रिवेंट करता है ड्यू टू इट्स वाटरप्रूफिंग इफेक्ट। जब भी हम ये सरफेस ड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं रोड्स पे तो वैसे रोड्स को हम इजिली क्लीन कर सकते हैं वॉश कर सकते हैं क्योंकि ये जो रोड्स होते हैं सरफेस ड्रेसिंग प्रोवाइड करने के बाद डस्ट न्यूसेंस को रिड्यूस करने का ये काम करते हैं और एक तरीके से ये सरफेस ड्रेसिंग वर्क हमको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है और एक तरीके से ये सरफेस ड्रेसिंग वर्क स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है और जो टायर होता है उसका वियरिंग और टियरिंग को रिड्यूस करता है। तो आज के वीडियो में हमने अलग अलग कोट के बारे में बात किया जैसे कि टैग कोट और सरफेस ड्रेसिंग के बारे में और देखा कि ये कोर्सेस होते क्या हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है किस पर्पस के लिए किया जाता है इनको क्यों यूज में लाया जाता है और इनके मटेरियल्स क्या क्या यूज होते हैं इनके कंस्ट्रक्शन के लिए इन सारे चीजों के बारे में बात किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई नागपुर भोपाल लखनऊ दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है जल्दी कीजिए।